काशीपुर के जंगल में एक गोली नाम का कौआ रहता था। वो रोजाना भोजन की तलाश में उड़ने निकलता और भोजन करने के बाद शाम को अपने घोंसले में वापस लौट आता। एक दिन वो भोजन की तलाश में निकला, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। अरे बाप रे, इतनी गर्मी, आज तो लगता है जान ही निकल जाएगी। एक काम करता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तब तक थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। गोली एक बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वो देखता है उसी पेड़ पर एक तोता भी बैठा था। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम गोली है, मैं तेरी रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मिट्टू है मेरा नाम, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हारा आना कैसे हुआ इस पेड़ पर, बोलो। मिट्टू भाई, वो गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ टाइम आराम करने के लिए आया हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इट्स ओके, तुम आराम कर सकते हो। गोली और मिट्टू लंबे समय तक बात करते रहते हैं और कुछ देर बाद दोनों वहीं सो जाते हैं। जब गोली की आंख खुलती है तो वो सोचता है, अरे काफी टाइम हो गया, अब निकलना होगा, गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है। मिट्टू भाई, मिट्टू भाई। अरे क्या हुआ गोली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मिट्टू भाई, काफी देर हो गई है, अब मुझे निकलना होगा। ठीक है गोली, लेकिन बैठे रहना। अरे अब तो रोजाना आना जाना लगा रहेगा। गोली इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते उसको काफी ज्यादा प्यास लग जाती है, तो वो आसपास पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिलता। प्यास से जान निकल रही है और पानी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। एक काम करता हूँ, थोड़ा और आगे देखता हूँ। गोली पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। फिर काफी टाइम के बाद उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। लगता है पानी का इंतजाम हो गया, उस झोपड़ी में पानी मिल सकता है, वहाँ जाता हूँ। पानी मिलने की उम्मीद में गोली झोपड़ी के पास चला जाता है। वाह पानी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, थैंक्स गॉड पानी के लिए। और वहाँ उसको एक घड़ा दिखाई देता है। घड़ा देखकर गोली की सांस में सांस आ जाती है। वो पानी पीने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक पहुँच ही नहीं पाती और वो थक हार कर बैठ जाता है और क्या करूं ऐसा सोचने लगता है। क्या करूं अब मैं, मेरी चोंच तो पानी तक पहुँच ही नहीं रही। आइडिया, अगर मैं कुछ पत्थर इकट्ठे कर लूं और इस मटके के अंदर डाल दूं तो पानी ऊपर आ जाएगा और मैं आराम से पानी पी लूंगा। अब पानी को ऊपर लाने के लिए गोली आसपास से पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर देता है। वो उन पत्थरों को एक एक करके मटके में डालने लगता है और इससे धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगता है। वाह गोली, क्या दिमाग पाया है तूने, आइडिया काम कर गया, अब जल्दी से पहले पानी पी लेता हूँ। गोली मटके से पानी पीकर प्यास बुझाता है। मजा आ गया, अब चल गोली, अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना है। और पानी पीकर गोली उड़ जाता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हालत चाहे कैसे भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।